गुलालाई में आपसे हम बात कर लूं। ठीक है, आप जाइए। महाराज दास जी का प्रणाम स्वीकार हो। अरे चरणजीव राव रानी साहब, भेज देंगे भेज देंगे। आपने क्यों बुलाया और क्या काम है तुम्हारा? अरे सियानी, अरे बेटी सैया मेरे, खटक देसी परे जाएगो बेटी को बोलन नाए देवो रे कोई जग दुनिया में ऊंची जान पगिया मेरे पिया नीची अरे है जाएगी हुक्का रे बिरादर बलमुआ तबू नाए देगी नाई अरे ब्राह्मण को बुलवाए के चिट्ठिया लिखवाए दे देश रे देश कोनर पत्र भेजवाए दे बढ़िया जाने घर भर तलाशे जग दुनिया में अरे बेटी को पियरे अरे करवाए दे चूड़ा अगर सियानी बेटी आपकी आंगन में घूमती है कहूं ऊंच नीच चंपा पड़ गया तो कोई आपको बोलन नहीं देगा, इसलिए नाई ब्राह्मण को बुलवा करके पत्र लिखवा दो कमी प्यारे कछुए माल की नाई अरे माल खजानो पिया भो तेरो ब्राह्मण लो बुलवाए बढ़िया घर भर पलम तरासे बेटी को करवाए दियो ब्याह अरे दासी भेज पिया तुम बुलवाए लो मेरे दूला त्यारी वर जरे बिहाता नारे पलम मेरे सुनने की बात है। रानी साहब, मैं दरबार का मालिक था, आप रनवास की मालिक हैं। मुझे आप अब तक कोई बात नहीं बताई कि लड़की सियानी है और आप इस बात को कहती हो तो मैं नाई ब्राह्मण को बुलवाता हूँ और लगन पत्री बनवाता हूँ। कोई बात की चिंता मत करो। बहुत बढ़िया बात है महाराज, नाई ब्राह्मण को बुलवा करके लगन सिक्का के लिए लिख दो चिट्ठिया में देश के लिए, कोई ना कोई तो लड़का मिलेगा ही। ठीक है, आप बैठिए और मैं नाई ब्राह्मण को। हेलो, और ये त्रिपाल सिंह ग्राम मैथरा की तरफ से
ये 10 रुपये में मुखिया गोला है तो उल्टी करेगी मोहम्मद। दूध पियन को ला है, दूध पियन को और क्या है, कोई बात नहीं। और क्या ना मना करते हैं बाबा, मना करते हैं कोई बात नहीं। ए बाली महाराज जय शंकर की, मैं जय शंकर की, मैं अच्छी खासी लल्ली को दूध पिया रही है। लल्ली को दूध, हाँ वो पे एक ही लल्ली है, कोई बात ना है। मेरा कहने का पर निभाओ, नाई ब्राह्मण को दोनों को बुला के मेरे साथ लेके आओ। ठीक है महाराज अभी जाती हूँ, कहता ना बहुत जरूरी काम है। ठीक है अभी जाती महाराज, जाइए फटाफट। इतनी देरी सुनी बादी ने, पलकी न देरी लगाई रे, ननु बसन से चल के बादी ब्रह्मपुरी में आई रे, चाय गई रे पहुंच गई ले बादी ब्रह्मा रे पुरी में, पंडित से कैसे रे रही है सदावत। मैं पता नहीं मैं बांधी हूँ, बांधी हाँ। अरे खुली ना, खुली ना भाई तो। अरे खुली फुली की बात खत्म करो, पे कहाँ तुम्हारे साथ वाले। अच्छा हमारे साथ वाले, हाँ बोल नाई, हाँ नाई इंगे। हेलो हेलो, सभी कलाकारों से कहना 100 का लोट इस आदमी ने किनको दिया है, को बुलाओ। साथ वाले आ गए, आ गए नाई वाले। अरे नाई वाले क्या है, कसाई वाले, कसाई वाले नहीं, अरे तू नाई वाला नहीं है, अब नहीं है, पहले थे नाई वाले, अब मुझे उल्टा सूदा बोलेगा नहीं तो साले तेरा रिश्ते तेरा नाम काट दूंगा, कहीं पूरी नहीं खाने दूंगा तुझे, पूरी नहीं खाने दूंगा, पूरी ना मिलेगी। मैं तो से बहुत बड़ा हूँ। हाँ बड़े हो, हाँ शर्मा जी हैं, पंडित जी आप बड़े हैं, मगर मुझे अब नाई ना कहते, जिन दिन को खा लू मर इनको पता खा दे, रात को तो मुंह खा जाएगा। मोचे बनाई ना कहते, मोचे कहते बाल मास्टर, बाल मास्टर नीचे की दुकान ऊपर कर लिए, नीचे के बाहर ऊपर बना बताओ, ऊपर जाने मकान बना रखा है तब जाते। मैंने पहले नीचे दुकान थी वो मकान वाले ने खाली करवा दी, ऊपर ले लिया, नीचे बाहर काट दो, अब सारे ऊपर काट रहा हूँ, दिमाग में फर्क है। दरबार में कौन आई है, दासी आई है। अरे नाव भैया, राम राम, राम राम, राम राम, ठीक ठाक हूँ मैं, वो मैं ठीक हूँ। अब तुम्हारी तुम्हें पता है ठीक ना, वो तो बस सही कह रही, मेरी तो वही मालूम होगी। चलो आप दोनों के लिए महाराज ने याद करियो, महाराज ने हाँ दो जन को का कोई लोड़ा को मुंडन फंडन, मुंडन फंडन नहीं है, और वो महाराज बता देंगे आपके लिए चले गए। कोई ब्याह शादी है, हाँ ब्याह शादी नहीं बुलाया, वैसे काम मिला कोई सोबर है, सोबर कैसी होती है, सोबर जानते हैं, सोबर तो जानते, चल ठीक है तो वहां तक कम करूंगा, पहले पहुंचा चल। पंडित जी महाराज तैयार है, ये महाराज के पास जा रहे हैं, दाज मिलाने हैं, आ जो सज बज के नाई ब्राह्मण तई जा रहे दोनों तई, और दोनों आपस में फिर देखे बात, लग रही अरे कचहरी रे भैया कहियो सुन राजा अरे कनई राज तो मनो रे ते राज रे भैया जय शंकर की सलम्बो, जय शंकर की सलम्बो, तुम्हारी से हमारो लम्बो, चा मूड़ देखो, चा टोपा देखो, चा पेंट देखो, चा हाथ पांव देखो, आप ब्राह्मण नाई,
मैं ब्राह्मणों बिनाई। अच्छा, तो आप ब्राह्मण हो? हाँ मैं ब्राह्मण। हमारे शहर बंगाल में रीत आएगी के ब्राह्मण का इतना हाथ काटा जाता है। महाराज मैं बेशरम ना था और मेरे होंठ बेशरम है। मैं बेशरम ना हूँ, मेरे होंठ बेशरम है। क्यों? मैं ना कह रहा हूँ, मेरे होंठ कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भीतर तक नाई हूँ। नाई है? ब्राह्मण को बुलाइए। होंठ सारे का तो संत है। ब्राह्मण को बुलाइए पंडित जी। महाराज ओ पलंगर जी, महाराज से जय शंकर जी दुआ नमस्ते। तेरी बहन ना तारों का सुना जाते हैं। हाँ पंडित जी, कहिए महाराज। पत्र संग लेके आए? हाँ पत्र लाए। देखिए मैं कहूँ उस बात को सुनते रहे। अच्छा, घरी मुहूर्त चंदा सूरज केतु मंगल। अच्छा, घरी विचार कर एक चंद्रकला के नाम से। अच्छा, दिन छाँट कर दो शुभ विवाह, कौन सी तारीख बढ़िया रहेगा? कहिए ब्राह्मण की पत्रा पीछे लगी पड़ी है। सच बताना? अरे पत्रा पीछे रह गई, उठा ला। पत्रा तो जल्दी जल्दी में भूल आए, हम तुम्हारे दिन तारीख ऐसे ही देख देंगे। हाँ बताओ बताओ। हाँ पंडित जी है कम चूतिया, मैं हूँ पूरा चूतिया। अच्छा बोल बोल। घरे मोरो चंदा सूरज सही है? सही है महाराज। घड़ी अभी तो गलत चल रही है। गलत? कौन सी तारीख का विवाह बढ़िया रहेगा? यह बता दो 45 तारीख में सही रहे हो? 32 तारीख में पहुंचा दो। 35 में कर दो। 32 को सुपर रहो है। देखिए मेहमानों सब घड़ी तारीख मैं कहूँ लिखते जाना। उठाइए कलम और पत्री बनाइए। और भैया शिवक नहीं आए। इस पालजी के कलाकार, इस पालजी के कलाकार पहले बदायूं था, अब जिला संबल है, खातराबाद नगरिया के रहने वाले जगदीश यादव जी और श्री सतराम सिंह इस पालजी के मालिक। और जे मुंशी जी का रोल कर रहे हैं जिला बदायूं सहसवान तहसील ग्राम गड़ी के रहने वाले। और मेरा नाम श्री ओमकार सिंह यादव जी सहसवान तहसील ग्राम पत्थरचौक रहने वाला हूं। पंडित जी और मैन कलाकार हैं जिला अलीगढ़ तहसील अतरौली ग्राम कुंजलपुर के रहने वाले बनवारी मेरा भाई जो मैन कलाकार हैं ग्राम महमूदपुर के रहने वाले जिला बदायूं सहसवान तहसील और रणवीर सिंह यादव मेरा भाई है जे कलाकार। और बाजे पर संगत कर रहे हैं जिला बदायूं सहसवान तहसील ग्राम तोहरी के रहने वाले सोमवीर यादव साहब। पंडित जी मैं कहूँ वो लिखते जाना। गाड़ी रोको, सवारी उतरी है। और ये हमारे बाबू बाबू अर्जुन पजूना की तरफ से दशर भैया हमारी पार्टी के लिए लेके आए 5 हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और मैं भी ब्राह्मण पीछे से हाथ हटाइए। ठीक है लिखा दिया। मैं कहूँ लिखते जाना है। बताओ ब्राह्मण मेरे है समझन की बंगाल के बीच में मेरे लिखते जाना। देखिए सही है। लंबी लंबी रोस चटक रहे केरा नाग फर नके दोहरे मेड़ा ढेबू और नारंगी के तुकिया चप्पा काली खिलिया बेला जबहा रात और सोना चांदी सिल्वर गलती सबल खेती और थाना न खबलिया लिखो तेरे हाथी घोड़ा रथन के जोड़ा भर भर छकड़ा तुमको दहजे के लगन पात्री देखो समार ब्रह्मजी मेरे भाई। लिखते जाना। क्या लिख दिया? अब
बता सकते हो क्या लिख दिया? सुनाइए पढ़ के और सुनो। इतना तो दहेज है, यहीं लगे रहना, इतना तो दहेज है। और जब सिक्का लेके जाओगे और कोई राजा के पास जाओगे और राजा सिक्का चढ़ाए दे तो क्या है? 20 साल की लड़की और 22 साल का लड़का। 20 साल की लड़की, 20 साल की लड़की और 22 का लड़का। घर पर दोनों ही होना चाहिए और घर पर ढूंढ के नहीं आओगे तो नाई ब्राह्मण को फांसी है मेरे दरबार में। महाराज अगर 20 साल यानी 20 साल की लड़की ना मिले तो 10 साल की दो बार अंदर है। महेंद्र में एक बार कन्यादान होता है, एक में गड़बड़ है जाए तो एक तो रह जाए। मैं क्या कही, एक बार कन्यादान कहिए छत्री धरा महेंद्र में कहिए ज्यादा बोले मार पड़े तो फांसी। घर पर ढूंढ के आओगे नहीं आओगे तो फांसी जन बच्चा से लगवा दीजिए। महाराज हाँ ये हमारे पंडित जी ना आगे का चेहरा हल्के हैं। अच्छा का समझ में इनके कमाई मुझे बताओ ये तो घूंगे तो मुझे बताओ क्या साल की लड़की है क्या साल का लड़का ढूंढे क्या 20 साल की लड़की 20 साल की और 22 का लड़का होना चाहिए यानी लड़की से लड़का तो 4 साल बड़ा ही होना चाहिए। बिल्कुल छोटो ना पर महाराज वैसे तुम्हारो कहने को काम करेंगे।